नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिसअपॉइंटमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट, आज का एपिसोड भी कुछ इस तरह से निकल गया। मैं आपको अपने मन की बात बताती हूँ शुरू में ही कि जब ये अनुज और अनुपमा का ट्रैक शुरू हुआ था, अनुपमा पहले ही इतने सारे जो है जख्म ले चुकी थी, इतने सारे दुखों से निकल चुकी थी, मगर उसने अपने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा था, जैसे कि अभी भी नहीं छोड़ा है। तो मुझे यह लगा था कि अब अनुपमा को अपने अच्छे कर्मों का फल मिल गया है, मगर यह स्ट्रगल ना खत्म होने वाली स्ट्रगल बन गई, इसका अफसोस है। इसीलिए आपके जो ऑडियोज आए हैं उसमें ये बात बार बार आ रही है कि ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, और ये जो लेसन मिल रहा है वो भी सही नहीं मिल रहा। तो बात आपकी सही है, तो इस चीज को सुनते हैं क्या कह रहे हो आप लोग, आपने क्या क्या चीजें नोटिस की हैं, आपकी क्या राय है, क्या रिव्यू है। इसी वीडियो में आप सबके सामने आप ही की बातों को शेयर करूंगी। तो दोस्तों शुरू करती हूँ सिलसिला, मगर पहले वो नंबर शेयर कर लूं जिन्होंने अभी तक भी ऑडियो नहीं भेजा है और मन हो रहा है भेजने की। तो नंबर है 9833135523, इस नंबर पे भेज दीजिए। और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी है आप? आज का धारावाहिक मैंने देखा, आज का धारावाहिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत इरिटेट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अनुपमा और अनुज ने जैसे पहले जो एपिसोड आते थे कि अनुज ने हर बार अनुपमा का हौसला बढ़ाया, ये करा, ऐसा ही सब दिखाना चाहिए थे। ये था लड़ाई झगड़े होते ठीक है, पर ये बहुत ज़्यादा खींच लिया। जैसे एक उदाहरण पेश कर सकते थे मेकर शाही कि एक पति अपनी पत्नी को ऊंचा उठाने के लिए उसका हौसला ही ज़ाया करता है, उसको अच्छे से मतलब मोटिवेट करता है और उसको अच्छी बुलंदियों पर पहुंचाता है, दोनों पति पत्नी मिल के ऊंचाइयों पे ये करते हैं, तो वो अच्छा लगता कि अनुज अपनी पत्नी को इस तरह। पर राजन शाही ने तो अनुज को इस तरह से गिरा दिया कि उसकी सोचने की क्षमता, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून इस तरह से कैसे हो सकता है सिर्फ एक बच्ची के लिए, ऐसा बहुत गलत दिखा रहे हैं। समाज में रहना है तो ये इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए, इसका असर होता है। कल सलमा बहन ने जैसे बताया कि उनके स्वास्थ्य पर असर हुआ, तो ये बात सही है, बहुत से लोग ये सोचते हैं। इवन मैं भी जब ये देखती थी तो मेरे को पहले एपिसोड बड़े मस्त और अच्छे लगते थे, ऐसा लगता था कि नहीं मैं भी अपनी जीवन में बहुत जल्दी मेरे मिस्टर मेरे को छोड़ के चले गए, मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो ये देखने के बाद ऐसा लगता था कि नहीं कोई एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, एक ये होना चाहिए अच्छा, ये कि जिसके साथ अपन बोल सके। बच्चों से अपन इस तरह से अपने दिल की बात नहीं बोल पाते, तो एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। पर जब से अनुज का कैरेक्टर बिल्कुल ही मेकर राजन शाही ने गिरा दिया, तब से ऐसा लगने लग गया नहीं इससे तो अपन अकेले अच्छे भले कोई नहीं होना चाहिए, ये सब गलत बता रहे। प्यार और विश्वास, अनुपमा के ऊपर विश्वास है, अनुज माया के पास है, अब माया और बरखा अपना खेल खेल के, अब माया कहती मैं खेलूंगी ना, मतलब को कुछ ना कुछ ऐसा गलत करेगी और वो अनुज से शादी करेगी, ये तो बहुत गलत दिखा रहे हैं। मतलब शादी पे से और प्यार पे से विश्वास उठ जाएगा, औरतें 10 बार सोचे कि अभी से सोचने लग गई है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं दूसरी शादी नहीं करना, अकेले ही अच्छे, क्या करना ये करके ऐसा हो गया, तो लड़कियाँ कहती कि नहीं शादी। अनुज और अनुपमा ने ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए था दुनिया के सामने कि अनुज ने अनुपमा को इस कदर ऊंचाई से ऊंचाई पे उठाया कि वनराज देखता रह गया। वनराज जैसे लोग भी इस दुनिया में है जो अपनी रोटी सेकने पे लगे रहते, मुझे तो बहुत गलत लगा। और अब अनुपमा देखने की इच्छा नहीं होती, पता नहीं कैसे नंबर 1 पे बना हुआ है,
किस उद्देश्य से, और बहुत ज़्यादा खींच दिया है, बहुत ज़्यादा रोना धोना रोना धोना इन 4 महीनों में। अब बिल्कुल इरिटेट और वाकई में लोगों के स्वास्थ्य पर असर। अनुपमा जो देखते हैं, जिनको अनुपमा बहुत अच्छा लगता है, उनमें मैं भी शामिल हूँ, पर अब इरिटेट और बीमार करने जैसा हो गया है। अब राजनी शाही ने अपना ये बदल देना चाहिए, नहीं तो और पता नहीं क्यों नंबर वन पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। बहुत अति कर दिया, और अनुज के कैरेक्टर को उन्होंने पहले तो आसमान पे उठ चढ़ाया और एकदम ज़मीन पे लाके पटक दिया। इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए, गलत दिखा रहे। प्लीज़, इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, बस प्लीज़ प्लीज़। ये रेखा जी का ऑडियो है दोस्तों, और रेखा जी, जैसे कि मैंने भी शुरू में कहा, आपने कुछ सिमिलर ही बात कही है कि शादी पर से ही विश्वास उठ गया, प्यार पर से विश्वास उठ गया। बात सही है, ऐसी ही कुछ फीलिंग बाकी सबकी भी है और मेरी भी है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, मैं कुमुदिनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, अब तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोला जाए, अच्छा बोला जाए खराब बोला जाए। लेकिन हाँ, आज पाखी का रोल बहुत शानदार रहा। बरखा माया की ऐसी जुगलबंदी, हे भगवान, दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अनुज की कमजोरी का फ़ायदा माया अच्छे से उठाएगी, ये आने वाला वक्त देखिएगा। अच्छा तब लगा जब बरखा की बातें अंकुश ने सुन ली। अंकुश कुछ नहीं कर पा रहा है बरखा के सामने, बरखा जो चाहे करती रहती है, अंकुश चुपचाप बस देखता और सुनता रहता है। तब भी बहुत अच्छा लगा जब पाखी ने मुंह तोड़ जवाब बरखा को दिया, और अधिक को देखिए कितना बेकार इंसान है, सब बातें सुनकर चिल्लाया भी तो पाखी पर, जब उसने कहा कि जिस दिन अनुज आएंगे उस दिन सामान तुम्हारा मैं फेंकूंगी। अपनी बहन को कुछ नहीं बोला, इससे साफ जाहिर होता है कि अधिक और बरखा में कोई अंतर नहीं है। पाखी का ये कहना कि मेरे अनुज वापस आएंगे तो बरखा का चेहरा देखने लायक था। पागल अनुज फिर माया के पास आ गया, माया की खुशी का ठिकाना नहीं है। अनुपमा आज एक बार फिर टूट गई, पता नहीं कितनी बार ये बदतमीज़ अनुज अनुपमा को तोड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा उस मुकाम पर पहुंच जाए कि अनुज को माफ़ी ना कर पाए। अनुज की हरकतें देखकर लगता है कि अनुपमा के प्यार के काबिल था ही नहीं, वो ऐसे प्यार को डिज़र्व ही नहीं करता है। उसको माया, बरखा और डिम्पी जैसे लोग ही मिले वही अच्छा है। और उधर अनुपमा का विश्वास देखकर बहुत दुख होता है। वनराज है फिर अनुपमा के साथ घर संसार बसाने की सोचने लगा है। बाकी जवान कितना चलती है, कितना बोलती है। वनराज वैसे होता कौन है अनुज के बारे में कुछ भी कहने वाला। अनुपमा अनुज के मिलन की बात सुनकर बा वनराज को ये बात गवारा नहीं लग रही है। और जब बैडमिंटन खेला जा रहा था तो बैडमिंटन की चिड़िया पर पूरा गुस्सा निकाल दिया अनुपमा ने। अनुज अनुपमा के ना मिलने से कितनी राहत की सांस ली वनराज ने, कितनी गंदगी है वनराज के अंदर। डिम्पी फिर गंदा बोल रही है अपने मुताबिक, जैसा उसका करैक्टर है, हमेशा रड़ने आ जाती है। वैसे भी खलनायकों की कमी थी क्या, तो एक और डिम्पी आ गई है। समर भी उसी ट्रैक पे जा रहा है, इसका रोल भी डे बाय डे गंदा ही हो रहा है, डिम्पी का बिल्कुल गुलाम हो गया है। किंजल में आज अनुपमा की छवि आज भी नज़र आई है, जब उसने सबको चुप कराया। अब बाबूजी के तो क्या कहने हैं, थोड़ा थोड़ा बोल के बस चुप हो जाते हैं। आज फिर वही दिखाया रिकैप में कि वो पाखी गई हुई है वहाँ। अब देखते हैं कल भी ये सीन दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। धन्यवाद त्रिपाठी जी, बिल्कुल वही बात आपने कह दी कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोले, क्योंकि रोज ही एक ही बात हो रही है, तो क्या बात करें, वही खलनायक वही अनुपमा पिस रही है, वही चीजें हो रही है। मगर जो आपने कहा है कि एक और खलनायक बढ़ गया, पहले ही कमी नहीं थी, डिम्पी की बात कर रहे हो आप, तो वो बात आपने बिल्कुल सही कही है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग,
हाँ मैम, मैं आज भी एपिसोड देखा था, कल भी मैं मैसेज नहीं, आपको वीडियो नहीं भेज सकी, सॉरी है, वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी है। तो आज भी मैंने देखा, आगे भी देखा, तो क्या हुआ, वो तो मिले नहीं दोनों जने, ना अनुपमा के सामने नहीं आया, बहुत बुरा लगा मुझे, तो बहुत रोना आया मुझे। तो आज भी मैंने अभी अभी देखा, तो वो तो पिछला ही एपिसोड सारा दिखा रहे, बस थोड़ा घना वो वर्खा ते अक्षय का झगड़ा हो रहा उत्थे। पाकि भी आ गई, पाकि बहुत कुछ बोली, पाकि बहुत सपोर्ट करती है, थैंक यू पाकि, तू तो आपकी माँ दी बहुत सपोर्ट करती है। ये सुखपाल जी का ऑडियो है। सुखपाल जी, मैंने बहुत कम ऑडियो आपका यूज किया है क्योंकि आपकी वॉल्यूम बहुत लो थी, शायद आप बहुत दुखी हो गई हैं इसलिए आप ज्यादा ऊंचा नहीं बोल पाए, सुन नहीं रहा कि आप क्या बोल रहे हो। तो जितना सुना उतना मैंने आपका सुना दिया है। कोशिश कीजिए कि वॉल्यूम थोड़ा अप करके आप अपना ऑडियो भेजे ताकि हमें सुनाई दे। और ऐसा ही हाल रेखा जी का है। रेखा अग्रवाल जी ने भेजा था ऑडियो, मगर उन्होंने ऑडियो में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, शायद गलती से भेज दिया है। तो रेखा जी, अगर आप भेजना चाहें तो एक बार रीचेक जरूर कर ले कि सही ऑडियो भेजा गया है कि नहीं भेजा गया। थैंक यू सो मच। अंजू मैम नमस्ते, सादर प्रणाम, क्योंकि आज के दिन हम लोग बड़ों को सादर प्रणाम करते हैं, इसी वजह से आज आपको भी कर रही हूँ। आज एक बात कहने का दिल बहुत कर रहा है कि आपने जो कहा कि बरखा ने सही किया कि अगर गिल्ट और प्यार, अगर प्यार से ऊपर गिल्ट आ जाता है तो कोई मतलब ही नहीं होता ये रिश्ता का। सच में आज पहली बार मैं कहूँगी कि काश मान अलग हो जाए तो अच्छा है। अनुपमा को अपने ऊपर स्टैंड ले लेना चाहिए, ये प्यार वैर का चक्कर हटा देना चाहिए। जिस प्यार का मैनू लेकर चल रही थी कि मैं इतना प्यार करती हूँ, उनके दो दो बार एक्सीडेंट होने के बाद संभालना, जिस समय उसमें शादी नहीं हुई थी, एक बार उनकी शादी नहीं हुई थी तब भी उन्होंने बचाया था कि चलो अनुज की तबीयत ठीक नहीं है, लिविंग में रहकर उनका सेवा करी थी, और बैंकरप्ट होने के बाद एक बार जब बालविका को प्रॉपर्टी दे दिए थे तो उनका साथ दी थी, उनका सपोर्ट करी थी, उनके लिए खाना बनाना, एक ही घर में रहना, बगल वाले घर को देना, कितनी बड़ी बात होती है एक लेडीज़ के लिए अपने बच्चों को साइड में रखना। आज वो एक बेटी के लिए इतने बावले हो रहे हैं जो 4 महीना भी नहीं हुआ उनके पास में आई हुई, और 25 साल का प्यार उनके लिए कम पड़ गया। मुझे तो नहीं लगता कि वो प्यार है, वो सिर्फ था, एक बार मिल गया तो छोड़ दिया, बात खत्म। जो आदमी अरेंज मैरिज करता है भले ही धीरे 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 प्यार स्ट्रांग होता है, समझते हैं अपने आप को कि नहीं अब उस ढांचे में आदमी चल जाता है, लेकिन यहाँ का तो प्यार ही अलग है। 25 साल का प्यार इतना कमज़ोर पता नहीं। अब हमें लग रहा है कि उम्मीद ही छोड़ देना चाहिए, अब तो मैं सच में उम्मीद छोड़ दी कि अब नहीं लगता कि अनुज अनुपमा की बात मानेगा, उसे माया ऐसा कर देगी कि मजबूर हो जाएगा वो माया के साथ रहने के लिए। सच में बकवास कर दिया ये सीरियल, इतना बकवास कर दिया। आज मैं अपनी सारी सहेलियों से पूछती हूँ कि कल मुझे बताइएगा कि महिमा जी ये गलत बोल रही है आप, इतना मतलब कल इतना अच्छा मैं आपको बताई थी लास्ट में जो शायरी कहती थी, लगा था कि चलो पाकी जाएगी, मिलाएगी, बात करेगी, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं हो पाया। देखते हैं मुंबई जाने के बाद पाकी क्या गुल खिलाती हैं, क्या समझाती हैं, और वो क्या समझता है। समर डिम्पी का तो बात ही अलग है, समर को तो ऐसे पागलपन सूझा है कि वो डिम्पी का ही सपोर्ट कर रहा है, डिम्पी को डांट नहीं सक रहा है कि तुम मेरी माँ के साथ बार बार बदतमीजियों से पेश आ रही हो, क्या मतलब निकलता है। जो लड़का अपनी माँ को इतना इज्जत देता था, सम्मान देता था, वो लड़का कहाँ गया। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये लड़का कहीं का लगता है कि ऐसी लड़कियों से ना प्यार नहीं करना चाहिए। डिम्पी जैसी लड़की से, बरखा जैसी लड़की से, माया जैसी लड़की से दूरी रहना चाहिए कि उसे रिलेशन का मतलब समझ में नहीं आता। माया को वो जो बोलती थी कि मुझे कोठे की हूँ, कोठे में रहकर मेरे साथ सब कोई ऐसे करता था, सच में लगता है कि कहीं कोठे में ही बिजनेस करती है और दिखाती है कि मैं बड़ी बिजनेस वुमेन हूँ, मुझे नहीं लगता।
और तो और बरखा को कपाड़ियस का नाम चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। मैं कहती हूँ कि छोटा सा प्रॉपर्टी खुद क्यों नहीं बना के अपना कंपनी को बड़ा करती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आता कि किसी की मेहनत की कमाई तुम्हारे को चाहिए? अरे ऐसी भाभी ना होना ही अच्छा, अगर हो तो भगवान करे। मैं तो अपने घर में अगर इस तरह की भाभियाँ होना तो मैं तो अपने एक्सेप्ट नहीं करूँगी। रियलिटी में अगर होता ना तो घर का ये प्रॉब्लम तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन राजन साई को ये प्रोग्राम में पता नहीं क्या तिगड़म लाना है, पूरे विलन को तैयारी करना है। और वनराज की तो बात ही अलग है। मुझे तो लगता है कि जाकर मैं ही 2 थप्पड़ मारूं उन्हें कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा को गंदी नज़र से देखने की। पहले जब पत्नी थी तब तो आदर सम्मान सत्कार तो कुछ नहीं करता, लेकिन जब पता चला कि अनुपमा मेरी नहीं हो सकती तो अब कोशिश ये कर रहे हैं, डोरे डाल रहे हैं कि कब कब मेरे को अनुपमा अपने ऊपर आने दे दे। लेकिन जो लेडीज़ के साथ होता है वो लेडीज़ और स्ट्रांग बन के निकल जाती है। कोई कमज़ोर पड़ जाती है, कोई स्ट्रांग बन के निकल जाती है कि तुम लोग मेरे से क्या समझते हो। अनुपमा अब सेवनी बनने का टर्निंग आ गया, अब बहुत कमज़ोर हो चुकी और कमज़ोर होने से अनुज को भी समझ में नहीं आएगा। अगर तुम टाइट हो जाओ तो शायद अनुज भी टाइट हो जाए कि नहीं अनुपमा जब इतनी स्ट्रांग है तो मुझे भी स्ट्रांग होकर निकलना होगा। प्लीज़ मेकर्स, आपके अंदर खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट है तो इसमें अच्छा मोटिवेशन डालिए, तीनों को एक्सपोज करिए और प्लस ये दोनों को मिलाने की कोशिश करिए। अगर इसी तरह का प्यार होता है तो प्लीज़ ना दिखाएं, हम लोग नहीं देखना चाहते। और फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ स्कॉट टू कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा था कि आदमी मिसाल देता था कि इस स्टोरी को, कि अनुपमा का स्टोरी इतना अच्छा है कि एक एक चीज़ देखकर सीख लगता था। कि बच्चों को दिखाते थे कि देखो पारितोष गलत कर रहा है, पाकी गलत करी, उनकी मॉम के साथ ऐसा करे, देखो मॉम के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, और ये बच्चे सुधर गए हैं। लेकिन क्या पता कि बच्चे भी ये बोलेंगे कि मैं तो आपका बात नहीं मानूंगा, हम लोग तो अपना ही बात मानेंगे। इसलिए आजकल तो मैं 10 बजे अपने बच्चों को भी सुला देती कि नहीं नहीं देखना ये सीरियल, तुम लोग सो जाओ। बुक्स दे देती हूँ, ऐसा दौड़ाती हूँ कि लोग थक के पैर में मालिश करती हूँ कि तुरंत सो जाते हैं, 10 बजे जागने ही नहीं देती हूँ। और 12:30 बजे का बात है, जिस टाइम पे अनुपमा 2-3 बार आता है उस टाइम पे मैं क्लासेस डाल दी हूँ कि बच्चों को मौका ही नहीं मिले कि अनुपमा देख पाए। और तो और मोबाइल भी नहीं देती हूँ कि अनुपमा डिज्नी हॉटस्टार में खोल के देखे। उन लोग खुद बोलते हैं कि मामा इतना नफरत करने लग गए आप इस प्रोग्राम से। सोचिए आज बच्चे नफरत कर, बच्चे की माँ को नफरत होने लग गई, क्या सीखे इससे। और वो दीदी जो बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ सहेलियों आप रोइए मत, आप टेंशन मत लिए, रियलिटी में आपको बहुत कुछ संभालना है, अपने आप को स्टैंड लेना है। तो बात तो सही है, अगर अपने आप को ही हम लोग कमज़ोर कर लेंगे तो कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे। इसलिए रंजू मैम, आपका जो स्क्रिप्ट मैंने सुना कि बेशरम हो चुका अनुज कपाड़िया, सोचा नहीं था कि उसे सही गलत का समझ ही नहीं है। और एक चीज़ मैं गौर करना चाह रही हूँ कि जब वो अनुपमा लास्ट में साइन करी थी वो शायद प्रॉपर्टी का कस्टडी, मतलब प्रॉपर्टी का लीगल साइन वाला पेपर साइन कर दी कि नहीं अब ये प्रॉपर्टी सारा बरखा के नाम है, मुझे ऐसा कुछ फील आ रहा है। शायद आपको पता चले आगे चल के कि ऐसा कुछ है। थैंक यू मैम। महिमा जी का दिल भी टूट गया है। महिमा जी हमेशा अनुज और अनुपमा को मिलाने की बातें कहती थी, मगर आज उनके मन से निकला है कि ना ही मिले तो अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह का हमने एपिसोड देखा है आज और कल में, उससे एक ही चीज लगती है कि अब अनुपमा को अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। मगर मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे महिमा जी के ऑडियो के माध्यम से ही, कि हम लोग कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए, वुमेन को अकेले ही बढ़ना चाहिए, ऐसा उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फैमिली का सपोर्ट जो होता है वो आगे बढ़ने के लिए ही होता है, वो भी वुमेन की अपनी ही फैमिली है। अब अगर हम बात करें कि अनुज की सपोर्ट जब अनुपमा को मिली थी, अनुपमा और निखरी थी और ज्यादा आगे बढ़ी थी, बढ़ती तो आगे वुमेन ही है, मगर फैमिली सपोर्ट चाहे पति की हो, चाहे सास की हो, चाहे माँ की हो,
वो साथ साथ रहती ही रहती है। उससे ये नहीं होता कि वुमन अकेली नहीं आगे बढ़ रही है। अगर ये थॉट प्रोसेस के साथ ये धारावाहिक को इन सिचुएशन में लाया जा रहा है, क्योंकि अगर अनुपमा को अकेले की आप बात कर रहे हो तो जिस तरह की कंडीशन में अनुपमा थी, उसकी मम्मी यानी कि कांता बहन, उसके भाई ने उसको संभाला, तो सपोर्ट तो अनुपमा को मिली ना, तो वो सपोर्ट तो हर किसी को हर वक्त चाहिए होती है। तो अकेले आगे बढ़ना जरूरी है, मगर ऐसे जो सपोर्ट मिलती है जैसे अनुज की मिली, मम्मी की मिली, तो ये सपोर्ट भी सपोर्ट ही रहनी चाहिए। उसी सपोर्ट को मिस यूज करके कुछ अलग तरीके से दिखा के अच्छा साबित नहीं होता है, बल्कि ये बातों से विश्वास ही उठ जाता है। तो थैंक यू सो मच महिमा जी, आपके ऑडियो के जरिए मुझे ये कहने का मौका मिला, धन्यवाद। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, कल आपने मुझे बहुत प्यार से समझाया, थैंक यू। थैंक यू त्रिपाठी मैम, आपने भी मुझे जो इतने प्यार से मेरा नाम लेके मुझे समझाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन लगा उस आवाज़ में, और इतना नेचुरल लग रहा था जैसे आप सच में किसी अपने को या किसी सहेली या बहन को समझा रहे हो, ऐसे लगा। मैंने भी वैसे ही फील किया आपके लिए, थैंक यू। सलमा जी आपको भी थैंक यू, आपकी इतनी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए और बिल्कुल आप भी टेंशन लेना बंद कीजिए। और मैम आज के शो के बारे में मैं बोलने का इच्छा नहीं थी, सुबह सच कहूँगी मैं, सुबह भी मुझे भी यही विचार आए थे कि क्या गलत का बरखा ने कि मैंने अगर उसको किया तो वो क्यों, उसका क्यों प्यार कम पड़ गया, वो सब मुझे भी उस समय सेम यही फील हुआ था, पर मैं बोलना ही नहीं चाहती थी इस बात को, मुझे बढ़ाना नहीं था बात को ज़्यादा, वैसे अंकुश के बारे में बोलना चाहती थी, पर अब अगर आपने बोला तो अभी मुझे इच्छा हो रही बोले कि अनुज जो तमाशा, सही में अनुज ने तमाशा कर दिया, और जो तुम लोग जो शादी के समय वादा किया था, जो बेस था शादी का कि हम मान देंगे सम्मान देंगे, सम्मान जो शब्द यूज़ किया था जो सब लोगों को बहुत पसंद आया था, जो बहुत वायरल भी हुआ, तो उसका क्या, उसमें आपने क्या एक भी नियम है नहीं, अनुपमा निभा रही है। अनुपमा को अगर ऐसा करना होता, हम बोलते कि अनुपमा खुद अंदर नहीं गई तो अनुपमा कैसे जाती, क्योंकि जब उसको बताया गया कि आप मीटिंग में हो तो वो आपको ऐसे बीच में जाके आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, आपके अहदे का सम्मान करना चाहती थी, इसलिए बेचारी बाहर आपका इंतज़ार करते रही और आप पीठ दिखा के भाग गए वहाँ से। वो बहुत गलत दिखाया, बहुत गलत था। और अभी माया भी जो आप कहते हो कि तमाशा बंद होना चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए और अच्छा दिखाना चाहिए, तप के सोना आएगा ये वगैरह जो है, तो अभी इतना जल्दी सोना नहीं तपेगा, भट्टी में चली गए मैडम वो, अभी अभी वो मेकर के हाथ में है तमाशे का सोना जो है बना है ना, वो सब अभी हाथ में ही है, वो कुछ अभी गया नहीं वो, क्योंकि अभी माया नहीं खेलेगी क्या तमाशा, क्या फ़ायदा, माया भी उठाएगी, वो भी वही बोलेगी मेरी क्या गलती है, अनुज खुद चल के मेरे पास आया, वो क्यों अपने प्यार को आगे मुझे अपनी बेटी को रख दिया, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो चुपचाप आ गई थी, मुझे तो भगवान ने गिफ्ट दिया है तो मैंने तो उसका वो तो मैं लूँगी, मैं तो फ़ायदा उठाऊँगी, वो भी ऐसी डायलॉग मारेगी, पाखी गई है। मुझे लगता कि पाखी ने नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो अनुपमा भी नहीं चाहती है शायद, ऐसा लगेगा, लगता है मुझे, पता नहीं अब क्या घुमा रहे इन लोग, तो पता चलेगा बाद में, पर वो पाखी की भी मुझे तो लगता नहीं कि पाखी की चलने देगी, माया ऐसा कुछ ना कुछ करेगी, फिर से छोटी को ला के सामने कर देगी, तो बेचारी के डाला के पूरे नहीं होंगे, वो होगा ऐसा कुछ ना कुछ, वो गलती कर ऐसा करेगी कि छोटी को अंदर बाहर ले आएगी, बुला लेगी, ऐसा करेगी ताकि बच्चे के सामने बोल ना पाए वो, ऐसा कुछ वो भी गेम खेलेगी, वो बहुत देर आगे तक जाएगा, वो शादी का जो दिखा रहा है तब तो मैं इन वीडियो को फेक मानती थी, पर अब मुझे लगता है कि शायद वहाँ तक जाएगा, तो वो वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, बहुत और दिखाएंगे, पर हम आप अभी मेकर की बातों में नहीं आ रहे, हम अगर देख रहे हैं तो सिर्फ शो देख रहे हैं, अगर वो भी देखना नहीं होगा तो सच में देखना बंद कर देंगे, और कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हमको समझ में नहीं आ रहा जो ऑफिस का दिखा रहे हैं, जो सब दिखा रहे हैं, बोर्ड मीटिंग वगैरह, जो कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई सिर्फ सिग्नेचर हुआ है, वो जो भी दिखा रहे हैं वो सब
हमको भी समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या घुमा रहे हैं, कहाँ क्या नहीं कर रहे, क्या लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। सब अपने अपने लाइफ में से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए कितना सोल्यूशन होता है। पति पत्नी की लड़ाई अगर प्यार है तो इतने लंबा खींचा ही नहीं जाता। वो सच कह रहे हैं, बंद कमरे में ही हो जाता था, वो कपाड़िया हाथ छोड़ के ही नहीं जाता था अगर ऐसा होता रियल लाइफ में। तो ये सब कहानी है, कहानी को कहानी जैसे ही लीजिए, मैं भी ऐसे ही लूंगी। थैंक यू अंजू जी। एक बात और अंजू जी, मैं जो अंकुश के बारे में बोलना चाह रही थी, जो बोल नहीं पाई। अंकुश का सबको कल पसंद आ रहा था कि नहीं, अंकुश ने कोशिश की आज भी को बोला वो बरखा को, पर मुझे अंकुश में कोई कोशिश, सिर्फ कोशिश करता नज़र आया, पर जो करना जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं किया। वो जब जानता, जब कैबिन में दोनों ही थे अनुज और अंकुश, तो उस समय अंकुश ने क्यों नहीं बोला, वहाँ तो बरखा नहीं थी। बोल सकता था कि ये सब बरखा की चाल है मेरे भाई, तुमको बताना चाहिए था, क्योंकि तुम तो वैसे भी उससे प्यार नहीं करते, छुटकारा नहीं पाना चाहते उससे। उसको तो सिर्फ झेल रहे हो कि वो तलाक नहीं दे रही करके अपने साथ रख रहे हो। तो जब तुम्हारे को ये तो अच्छा मौका था, तो तुमने उस समय बताना चाहिए था बरखा के बारे में। माया और बरखा मिली हुई, ये भी आप अंकुश को मालूम था तो तब बता सकता था, तब हम अनुज का रिएक्शन देखते थे कि सच में अब वो क्या कर रहेगा। वो सच था कि अब क्या अनुज ये जानने के बाद क्या करेगा, तो वो सब नहीं आया सामने। और घर में भी आज तुम उसको कह रहे हो कि तुमने मेरे भाई का घर बर्बाद किया, ऐसा वो जो भी है, अब तुम्हारा देवर है ये, जो भी बोला। अरे तो तुम क्यों कुछ नहीं एक्शन कर ले रहे हो, बस बोल रहे हो, डायलॉग बता रहे हो, पर तुम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? तुम क्यों कपाड़िया मेंशन में हो? जब तुम्हारा भाई नहीं है उस घर में, भाई छोड़ के गया, तो तुम भी रेंट के घर में क्यों नहीं जा सकते? क्यों वहाँ पे बैठे हो? अभी तुम्हारे को तो पावर है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम अच्छा रेंट का घर ले सकते हो। तुम अपनी बीवी को, बरखा को वहाँ रखो, क्योंकि वो अगर कपड़िया मेंशन में है तो अंकुश की वजह से है, क्योंकि आज भी वो अंकुश की पत्नी है, इसलिए उस हक से वो कपड़िया, इसलिए वो अंकुश है करके वो है वहाँ पे, तो वो रहेंगे ही नहीं ना। तुम छोड़ दो ना, तब उसकी अक्ल खुद अपने उसको समझ में आएगी औकात कि वो क्या कर रही है। फिर तो वो खुद, और उसको कपड़िया में एम्पायर में भी मत आने दो, ऑफिस में भी मत आने दो, तुम्हारे नाम से किया है, अनुपमा के नाम से किया है, तुम खुद संभालो जाके, लो ना किसी और की मदद। उसमें बरखा की मदद क्यों, बरखा की मदद क्यों चाहिए थी वहाँ पे, बरखा क्यों चाहिए था? अगर उसको ये सब तुम रोकते तो खुद होके ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाती, और वो अनुज और अनुपमा को अलग होने नहीं देती, क्योंकि उसको पता है अनुज अनुपमा अगर उस घर में है तो वो, अगर वो बरखा उस घर में अगर थी अब तक, तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की अच्छाई की वजह से अनुपमा ने रोका था। नहीं तो पहली बार ही शाहज के साथ जब लड़ाई हुई थी, तभी अनुज ने फैसला लिया था कि इन लोगों को मैं अलग कर देता हूँ, तो अनुपमा ने रोका था। तो ये अनुपमा की वजह से ही तुम हो, तो तुमने ऐसे एक्शन क्यों नहीं ले रहे फिर तुम? इसलिए मैं अनुज अंकुश के रोल को, मैं अंकुश की कोशिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताती। मैंने कल इसलिए अंकुश पे कोई भी रिएक्ट नहीं किया था, मैं ये दो अंकुश और अधिक इन पे विश्वास ही नहीं करना चाहती, तब तक तो नहीं, जब तक कुछ अच्छा नहीं होता, जब तक ये नहीं, ये कुछ पल में बहुत अच्छे हैं, कुछ पल में ये क्या बोलते हैं ना, घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, ऐसे जैसे लोग हैं ये, इसलिए मुझे इन कैरेक्टरों पर विश्वास नहीं है, बस इतना ही। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और आपने कहा है कि जैसे पाखी के बारे में बात की है कि पाखी जाएगी और अनुपमा फोन ही बंद कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अनुपमा अनुज का जो है ख्याल बहुत रखती है और अनुज को अनुपमा ज्यादा जानती है, इसलिए इसी चक्कर में वो ये गलती भी कर देगी और इससे अनुज कुछ और समझ बैठेंगे, ऐसा मुझे भी लगता है। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। बाकी आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही है, वो सबने सुनी है और देखते हैं बाकी सब भी इसके ऊपर क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी। आज की सीरियल मैंने देखी, दे आर जस्ट ड्रैगिंग इट एंड ड्रैगिंग इट। पता नहीं, आई मीन इट शुड नॉट कम टू एन एक्सटेंट, बहुत लेट हो जाएगा। लाइक यू नो, अनुपमा विल डेफिनेटली क्लोज द डोर्स फॉर एनी वन एंटरिंग इन टू हर लाइफ, बोथ फॉर अनुज एंड वनराज, जस्ट टू शो द वुमेन एम्पावरमेंट। आई मीन दिस इज
I don't know what Rajan Shahi and makers are trying to prove here. The 26 years of love has gone down the drain. Anuj was the one who followed Anupama itni baar with all her sweet gestures and all that compassionate and feelings and support and wo sab karke wo he made Anupama to fall in love with him and get married. And uske baad he start throwing these tantrums, the male chauvinistic tantrums. And you know, if he has realized he's guilty, at least for his love sake, he should just go and ask for forgiveness from Anupama. Wo nahi kar raha hai, wo to bas guilt karke bata raha hai. But usko itna dumb ho gaya ki wo sab आसपास के विलेंस के बातों में आ गया. इतनी बुरी क्यों दिखा रहा है मेकर्स और राजन शाही ने. आई मीन क्या क्या बोलना चाहते हैं कि मेल आर ऑलवेज डैम और डोमिनेंट एंड सो विमेन हैज़ टू बी डोमिनेंट टू. वो ऐसा नहीं होता है. वो मान का वेडिंग में समानता, दैट वाज वन वर्ड दैट दे सेड, रिस्पेक्ट. अभी तो मेकर्स तो they have made fun of this word respect and love and relationship and all that. Abhi main social media mein padh rahi hu ki paaki abhi recap mein paaki puts on the speaker phone, Anupama disconnects the call thinking that Anuj is still feeling guilty and he still loves her, but wo maya uska hi plan kar rahi hai. वो तो शी इज़ ट्राइंग टू ट्रैप अनुज एंड उसके बाद 6 years का लीप आ गया टू शो द फ्रेशनेस इन द स्टोरी ट्रैक एंड शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज अनुज वाइफ एंड अनुज इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ ऑल दिस कॉन्स्पिरेसीज दैट इज़ बीन गोइंग ऑन बिटवीन माया बरका एंड वनराज. आई मीन कैसा स्टोरी है. आई मीन इट इज़ ओके दैट दे डोंट नो, दे हैव टू शो दैट दे डोंट नो वॉट द विलन्स आर डूइंग. वो एक ट्रैक है. But दूसरे track में the makers have made fun of love, made fun of the relationship, made fun of trust, made fun of, you know, confidence, made fun of respect. Yeah, this is not what they should be showing it to the society. I mean, they have to really either stop the shows or fans and audience should just stop watching so that TRP comes down, because ये तो दिस इज़ गिविंग अ वेरी वेरी बैड इन्फ्लुएंस, बैड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी. पीपल हु वर लुकिंग फॉरवर्ड, अनुपमा स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ऑफ हाउ वुमेन एम्पावरमेंट. ओके, एक बार चीटिंग हो गया, फाइन, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. सो शी केम टू नो वनराज नेवर लव्ड हर, she was the only one, so she just broke it and she made herself very strong. But she never knew who Anuj was, and he was the one who came into her life in such a way that he showed what love means, and he made her to love him so much that abhi he is going and cheating on her. This is not right. I mean, so that means no women can believe any man who come into their life. No wife can believe their husbands. I mean, no husbands should believe their wives. Ye kya hai? I mean, the complete equation of husband and wife's relationship, family, wo sab khatam ho gaya. I mean, I don't know what Rajan Shahi, though, what is he trying to prove here? Is he even going to show any reunite, reconciliation, clear out the misunderstanding? But doesn't look like on social media, wo nahi bata raha hai. Wo 6 years ka leap le raha hai, aur Choti Anu aur Maya aur Anuj ek hai, aur Anupama, she's on her own in with her dance academy, wo uska business, wo sab chal raha hai. वो ठीक है. आई मीन शी हैज़ टू ग्रो हर डांस अकेडमी बिजनेस वो सब, बट अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली इज दैट इज कमेंडेबल एज आई सेड यस्टरडे. बट ये तो कुछ और ही दिखा रहा है. आई मीन आई डोंट नो, समहाउ आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट अभी एंड इट्स नॉट, देयर इज नो वैल्यू इन वॉचिंग दिस सीरियल एनी मोर. यू नो, पीपल विल स्टार्ट गिविंग अप वेरी सून. एंड just makers and Rajan Shahi, if you want your TRP to go up and you want your praise for the show,
just make sure that the change in the story track is done. I mean, you know, fans and audience are waiting for the reconciliation and clearing out the misunderstanding. They should work together to expose all the villains. But instead here, the villains are winning. The bad is winning. And this is a Kanaji's blessing wedding. It doesn't look like. I mean, this is not how things have to go anyway. Just my views and thoughts, just wanted to pour it out here. And thanks for giving this platform to bring out our emotions and feelings about the serial that's going on. Thank you, Anjuji. Thank you. Thank you so much, Neema ji, aapke audio ke liye. Sahi kaha aapne ki maan ka maan hi nahi bacha. To kya dekhen? Sahi hai aapki baat. To thank you so much. Aage bhi intezaar rahega aapke audio ka. Chaliye, agla audio sunte hain. Namaskar, Anjuji. हम लगातार ये बातें कर रहे हैं कि अनुज बदल गया है या अनुज ने अपने प्यार का मजाक बना दिया है, अपने रिश्ते का मजाक बना दिया है। तो हम समर को नहीं देख रहे हैं, समर कितना बदल गया है। जिस अनुपमा का रिश्ता इन बच्चों के वजह से इस मोड़ पर पहुंच गया, वही बच्चे आज कितने सेल्फिश हो गए हैं। कहते हैं ना, मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है, वही हो रहा है। कुछ भी बिखराव सिमट नहीं रहा है, कहानी अपने रास्ते से भटक गई है। जो भी हो रहा है, जब तक राइटर नहीं चाहेंगे वो यूं ही भटकाते रहेंगे। अनुज अनुपमा के बारे में बात करने का मन नहीं करता। ये गाना है ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे इस खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो इस सीरियल को इस तरह से बंद ही कर देना चाहिए। बाकी सपोर्ट में है, पर सपोर्ट में तो देविका और धीरज भी हैं, पर वो दिखते नहीं हैं। अनुज धीरज के घर है पर दिखता कभी नहीं है, धीरज कभी नहीं दिखता है, देविका दिखाई नहीं देती। बस माया ही माया है वहाँ। माया कैसे, किस अधिकार से बोलती है, ये तो समझ ही नहीं आता। अनुज ने ये अधिकार दिया है क्या? इस समाज में ऐसा अपनी पत्नी से नाराज हो जाओ तो किसी दूसरी औरत के घर जाकर रहो? हमारे सभ्य समाज में तो ऐसा नहीं होता। बोलने का तो बहुत मन कर रहा है, पर क्या फ़ायदा? मेकर्स को तो वही करना है जो वो करना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा बातें होंगी उतनी ही TRP बढ़ेगी। उन्हें किसी की फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं है। एक टाइम था जब अनुज अनुपमा की शादी की बात हो रही थी, इन्हें देखकर कई लोगों ने ऐसा करने के बारे में सोचना शुरू किया था कि हाँ, हम भी अपने जीवन को एक दूसरा मौका दे सकते हैं। पर अभी तो ये देखकर जो करना भी चाहता होगा वो भी पीछे हट जाएगा। सीरियल को बर्बाद करने का सोचा है तो करें, हम भी बंद कर देंगे देखना। हाँ अंजू जी, बस आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और आप बहुत ढाढ़स देती हैं। इस बात से थोड़ा सा हमें तसल्ली हो जाती है और सिर्फ आपके वजह से हम लोग ये सीरियल देखते हैं। नमस्कार। वाह वाह लता जी, ये गाना बिल्कुल इनके ऊपर फिट बैठता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, उसी गाने का अंतरा आपने बताया है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना बेहतर। तो बहुत अच्छा, यही चल रहा है और आपने बहुत सही पहचाना है। और अजनबी बनने की जो बारी है वो आ गई है, अजनबी से फिर जानकार बनेंगे, फिर से चीजें होंगी, यही लग रहा है। थैंक यू सो मच लता जी आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स अटेंड नहीं होते हैं। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।